नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग, नहीं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम एंड आई एम लाइव इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। सोच रहे होगे सर ये कैसे, ये बैठे बैठे घर में और पीछे पीछे का कैसा बैकग्राउंड, बट ठीक है, आज जरूरी थे, हालात ऐसे थे, इसके कारण से आई हैड टू डू दिस। तो चलो सेशन को शुरू करें, मैं बिल्कुल तैयार हूं। और आज के सेशन में आपको पहले बता दूं, बहुत सारा बहुत ही एक बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, ठीक है? तो चलिए सेशन को शुरू करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप सारे तैयार हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में यो चाहिए। लेट हो भी, हाँ मेरे को पता है आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, मैनेज कर लो यार प्लीज। मैं मतलब वापस सही हो जाएगा, डोंट गेट वरीड। शुरू करें। हेलो सर, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया है, शानदार है, जिंदाबाद है, जबरदस्त है, मजे में है। सारे तैयार? यो पक्का? पेपर टुमारो? ओके दैट्स ग्रेट। शुरू करें पक्का? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर जनता जनार्दन एकदम तैयार है शुरू करने के लिए, तो आज का हमारा सेशन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज पहला सेशन है, केस बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो सीबीएसई 9th का आज ये पहला सेशन है, तो सारे लोग जरा ध्यान से देखना भाई। चलो तो मैं सेशन को शुरू करता हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम। आप लोगों को ये वाला पार्ट तो हटा दो। हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो सारे लोग देख लो भैया, सब्जेक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेशन फर्स्ट है आज अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम का, ठीक है? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। एंड हियर वी, एक मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड शुरू करते हैं आज का सेशन। चलो भाई, तो पहला केस, सारे लोग जरा ध्यान से देखो और इस पहले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारे लोग को दिख रहा है पक्का? कहता है द रेसिडेंट्स ऑफ अ सोसाइटी डिसाइडेड टू पेंट द हॉल ऑफ कैंसर डिटेक्शन सेंटर इन देयर प्रेमाइसेस। इतना बड़ा कौन सा सोसाइटी है यार? एक मिनट, लगता ऐसा है मुझे कि, एक सेकंड रुको भाई, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है ठीक से। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करने दो मेरे को। हाँ जी ठीक है, अभी छोटा हो गया, वैसे ही राइट है आपको तो छोड़ दो। हाँ चलो भाई, अभी अभी सही है, अभी दिख रहा है बढ़िया। हाँ जी, तो रेसिडेंट्स ऑफ अ सोसाइटी डिसाइडेड टू पेंट अ हॉल, हॉल को पेंट करना है। इफ द फ्लोर ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल हैज अ पेरीमीटर इक्वल टू 250 मीटर। तो ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर हमें बोला है बेस का, तो मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ऐसा ही होता है पेरीमीटर। ये दिया हुआ है 250, तो यहां से बड़े सिंपल तरीके से लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 125। ये तो बड़ा सिंपल था। हाइट दिया हुआ है यहाँ पे 6, ठीक बात। लेंथ और प्लस ब्रेड्थ दिया हुआ है 125। अगर इतना सब कुछ दिया हुआ है तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है पहला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स इंक्लूडिंग डोर्स एक्सेट्रा एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर स्क्वायर। यार 4 वॉल्स को पेंट करना है तो कौन सा एरिया निकालना होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में सारे लोग, अगर 4 वॉल्स को पेंट करना है तो कौन सा एरिया निकालना होगा? मेंटी नहीं है बेटा, मेंटी नहीं है, कौन सा एरिया निकालना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। वेरी गुड, सारे लोग सही बोल रहे हो, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। बिकॉज 4 वॉल्स का मतलब क्या कि बेस और जो टॉप है इन दोनों को छोड़ना है, तो टोटल सरफेस एरिया में से बेस और टॉप हटा देते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकलता है, लैटरल सरफेस एरिया। तो सीएसए होता क्या है यार? एक मिनट, सीएसए होता क्या है? तो भैया सारे लोग देखो, सीएसए तो बड़ा सिंपल सा है। सीएसए क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इज नथिंग बट 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, यही तो होता है सीएसए। तो आपका 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अभी अभी हमने निकाला 125 इनटू हाइट, हाइट हमने क्या निकाला, मतलब दिया हुआ है 6, आ गया सीएसए। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें चाहिए क्या? कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या था? 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो अब आप करो 2 इंटू 125 इंटू 6 इंटू 8, ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो 2 इंटू 125, और 2 इंटू 125 भी मत करो, ऐसा करो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर 8 से 125 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आता है, फिर इंटू 2 करोगे तो 2000, और इंटू 6 करोगे तो मतलब आंसर इज 12000, 12000 रुपए का कॉस्ट आ रहा है। सारे लोगों को समझ आया? लैग नहीं दिख रहा यार, मेरे को तो लैग नहीं दिख रहा, मेरे को तो एकदम बढ़िया से दिख रहा है यहाँ पे सारा। 12000 रुपए का कॉस्ट दिख रहा है एंड हेंस दिस इज द आंसर। क्या ये सबको समझ आया? लैग है क्या? मेरे को लैग नहीं दिख रहा, पक्का? नाम दे, लैग नहीं है बेटा, आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा, एक बार चेक कर लो, मेरे को लैग नहीं दिख रहा है। सबको समझ आया पक्के से? यस और नो? हाँ, पेपर ऑफलाइन है, डर लग रहा है, बिल्कुल डरो नहीं। I am under motivation. अरे बेटा under motivation नहीं, I am demotivated होता है, under motivation है राम।
अमित अरोड़ा सब देख लेंगे ना, आत्महत्या कर लेंगे। चलिए तो अगर सबको समझ में आया तो 12,000 रुपए इज द टोटल कॉस्ट। सबको समझ आ गया पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सारे लोग ने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, जल्दी बताओ। वीडियो लाइक कर दिया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया सबने? यस पक्के से? चलिए बहुत ही बढ़िया। सुहानी बेटा रिफ्रेश कर ले, रिफ्रेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल, व्हाट इज द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच रेसिडेंट इफ देर आर 50 रेसिडेंट्स इन द सोसाइटी। अगर 50 रेसिडेंट है और टोटल कॉस्टिंग कितना आया? 12,000 रुपए का आया ना, तो 12,000 रुपए का टोटल कॉस्टिंग, 50 रेसिडेंट रह रहे हैं तो हर एक बंदे को कितना देना पड़ेगा? तो 50 से डिवाइड करने का है, तो बहुत ही सिंपल था यार, 1200 5 से अगर काटोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60 आ रहा है, 600 रुपए, 600 रुपए देना होगा ना। तो हर बन ए, एक मिनट मैंने कुछ गलती किया, 120 एक मिनट सॉरी 240 देना होगा, मैंने गलत कैंसिल किया, 240 रुपीज देना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल था यार, देना पड़ेगा, बहुत ही आसान से 240 रुपए आ गए, डिवाइड ही तो करना था और क्या करना था, कुछ नहीं, 240 रुपए, बड़ा सिंपल आसान है। सबको ऐसा लग रहा है कि अरे सर ये तो बहुत ही हलवा है, हलवा लग रहा है? नहीं लग रहा है, सिंपल। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच इज 240, क्योंकि 12,000 रुपए टोटल बिल आया था, 50 रेसिडेंट है, सबसे डिवाइड किया तो 240 रुपए आ गए। चलिए अब अगला केस, रेसिडेंट रेसिडेंशियल कॉलोनी पॉपुलेशन 5400 है, 60 लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड पर पर्सन पर डे। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा इंफॉर्मेशन में डेटा बस निकालो, फिर ब्ला 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 ब्ला। कंस्ट्रक्टेड वाटर रिजर्वायर मेजरिंग 48 मीटर इंटू 27 मीटर इंटू 25 मीटर, ठीक है। तो देखो क्या क्या डेटा निकला, 5400 रेसिडेंट रहते हैं, हर एक रेसिडेंट को 60 लीटर वाटर पर डे चाहिए, पर पर्सन पर डे, तो इतना चाहिए पानी। और ये लोग वाटर रिजर्व कहां पे कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 48 into 27 into 25, ऐसे रिजर्वायर में वाटर रिजर्व कर रहे हैं। यहां से जो निकल कर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। आपको एक और कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1 meter cube is equals to 1000 liter। एक मिनट, सारे बच्चे लैग 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 क्यों चिल्ला रहे हैं? अच्छा सिर्फ गौरी चिल्ला रही है, ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा सिर्फ गौरी चिल्ला रही है, हाँ यार गौरी को थोड़ा समझाओ भाई, लैग है क्या? श्वेता एक मिनट भाई, नहीं है ना यार, सारे लोग एक बार बताओ लैग है क्या? नहीं है ना पक्का है? नहीं है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो ना, पूरा पूरा फुल मेरे को देखो, 100 मतलब एकदम KBS दिख रहा है, पूरा ग्रीन है, कोई इशू नहीं है। लैग है क्या? नहीं है ना, अच्छा तो बच्चे सिर्फ मजे ले रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं बेटा। यस का, अरे लैग होता तो ये यहाँ पे कैसे सब कुछ सही सही दिखता, देखो ना सब बढ़िया तो दिख रहा है। लैग है? नहीं है ना। अब जो यस कह रहे हैं ना बेटा, अपना इंटरनेट थोड़ा सा सही करिए, कोई लैग नहीं दिख रहा है मेरे को, देखो एकदम मस्त बढ़िया इंटरनेट चल रहा है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है बताओ, दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है मेरे को। भैया अपना इंटरनेट सुधारिए, लैग वैग नहीं है बेटा, सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, लैग नहीं दिख रहा है मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो अब अगले सवाल की तरफ, तो 1 meter cube is equals to 1000 liter, आपको ये भी कन्वर्जन पता होना चाहिए। अब पहला सवाल देखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज द वॉटर इन दिस टैंक इज सफिशियंट इफ ड्यूरिंग रेन द हाइट ऑफ वॉटर लेवल इज 5 meters, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि अगर रेन के ड्यूरेशन में लेंथ और ब्रेथ, जो कंटेनर है इसका लेंथ और इसका ब्रेथ तो कॉन्स्टेंट रहेगा, इस कंटेनर का हाइट 25 मीटर है, लेकिन हमेशा तो ये कंटेनर पूरा पूरा नहीं भरेगा ना 25 मीटर तक, तो वर्षा हुई और वर्षा में 5 मीटर तक ये कंटेनर भरा, तो हाइट 5 हो जाएगा, लेंथ ब्रेड तो हमारे पास ऑलरेडी 48 और 27 है, तो 48 27 और हाइट 5 मीटर। अगर इतना पानी जमा होता है, मतलब पानी कितना जमा होता है, 48 × 27 × 5, इतना पानी जमा होता है, तो इस सिचुएशन में कितने दिनों तक वॉटर इन दिस टैंक इज सफिशियंट, कब? जब यहाँ पे 5400 लोग रहते हैं, जो हर बंदा हर रोज 60 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, 60 लीटर, तो 60 लीटर के हिसाब से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो 5400 पर्सन रह रहे हैं, हर इंसान 60 लीटर पानी, और इतना पानी एन डेज के लिए चलेगा, लेट्स अस्यूम एन डेज के लिए चल रहा है, इज इक्वल्स टू, पानी आ कहां से रहा है, तो 48 मीटर इंटू 27 मीटर इंटू 5 मीटर वाले कंटेनर से आ रहा है, तो आप दोनों को इक्वल कर दीजिए, समझ पा रहे हो? और ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये लीटर में है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मीटर क्यूब में है,
तो आपको मीटर क्यूब और लीटर को सेम करना होगा, तो आप इस मीटर क्यूब को कैसे बदल सकते हो, 1000 लीटर लिख के। आ गया आपका आंसर, बड़ा सिंपल हो गया। तो अब क्या करना है, देखो अब आप लिखोगे 5400 इंटू 60 इंटू एन डेज इज इक्वल्स टू 48 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 1000। अब सॉल्व कर दो, दो जीरो से दो जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 27 से 54 गया दो बार में, ये 2 हो गया, और 2 से 48 गया 24 टाइम्स में, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 24 इंटू 5 कितना होता है 120 डेज। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यार एक मिनट एक बात बताओ, सारे बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं लैग। अरे भाई एक मिनट, मेरे टीम जरा थोड़ा बताओ, लैग है, इज देयर एनी लैग, एनी लैग? श्याम डू लेट मी नो, एनी लैग? श्याम एनी लैग, जल्दी बताओ भाई, लैग तो नहीं रहा, मेरे को तो लैग नहीं दिख रहा ना। अच्छा नो लैग, ठीक है। खैर अब मैं ध्यान ही नहीं देने वाला किसी के चैट्स पे। तो अब आपको समझ में आ गया कि 120 डेज दिख रहा है साफ साफ कि 24 इंटू 5, मतलब बड़ा सिंपल तरीके से 120 डेज का पानी इनके पास होगा, ठीक है 120 डेज। वैसे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ऑप्शन सारे गलत बनाए हैं या हमने गलत आंसर निकाला है, क्योंकि यहाँ पे 20 डेज आ रहा है। रियली यार एक मिनट, हम लोगों ने यही किया ना, 48, 27, 5, 1000, तो ये दो जीरो और ये दो जीरो गया, ये और ये गया, ठीक है। अच्छा हमने 6 को छोड़ दिया, सॉरी 27 will cancel this 54 in 2 times, 2 will cancel it in 24 times, तो 24 into 5 और divided by 6 होगा, हमने 6 को ध्यान ही नहीं दिया, very sorry, 4 5s are 20, ठीक है 20 days का पानी बच रहा है। क्या ये बात सबको समझ आई, सबको समझ आया पक्के से? ओके सबको समझ आया? यस चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया तो ये कैसे बना, बड़ा सिंपल सा तरीका था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या किया, 5400 लोग हैं, 60 लीटर पानी एक दिन में इस्तेमाल करते हैं, तो 5400 इंटू 60 मतलब ये पर डे का कंजम्पशन है, इंटू एन डेज किया मैंने कि हो सकता है ये पानी एन डेज तक चले, और ये पानी आ कहां से रहा है, तो इक्वल्स टू 48 इंटू 27 इंटू 5 मीटर क्यूब वाले कंटेनर से। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर, तो इसलिए मैंने मीटर क्यूब को हटा के 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5400 into 60 into n equals to 48 into 27 into 5 into 1000। सॉल्व किया तो n की वैल्यू 120 divided by 6 मतलब 20 डेज आ गई। सबको क्लियर है? यस चलिए बहुत ही बढ़िया, अगर सबको क्लियर है तो बढ़ते हैं फिर आगे, और अब देखते हैं अगला सवाल। ये रहा अपना अगला सवाल, तो अगला सवाल है विच वैल्यू इज शोन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, सारे लोग के द्वारा कौन सा वैल्यू शो किया गया है। तो जब भी ऐसा वैल्यू पूछे, यहाँ पे मॉरल वैल्यू और कुछ अच्छे मतलब कहते हैं शिष्टाचार वाली बातें लिखनी होती है, तो मॉरल वैल्यूज में आप लिखेंगे दैट द वैल्यू शोन बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल इज वाटर हार्वेस्टिंग, केयर टुवर्ड्स नेचर, इस टाइप का लिखिएगा। ऐसा मत लिखिएगा, कई लोग लिखते हैं वैल्यू शोन बाय इज मीटर क्यूब, वैल्यू शोन बाय द ग्रुप इज लीटर, ऐसा ऐसा ये सब काम ना करें, ठीक है गणित से अलग हटके ये सवाल है। तो वाटर हार्वेस्टिंग, केयरिंग फॉर ईच अदर, सेविंग द नेचर अर्थ, इस टाइप से, ठीक आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल वैल्यू कोऑपरेशन, ठीक बात। अब दीदी आई हैं, हाय बोल रहे हैं आपको, तो दीदी आके हाय बोल रही हैं एंड दीदी आपको बता रही है कि आज के लिए वेदांतु के कोर्सेस पे 60% ऑफ है, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आज के लिए ओनली फॉर टुडे, only for today, I'm again saying it is only, मैं पहले ये word लिख देता हूँ, only for today, ये सिर्फ आज के लिए है कि जो जो बच्चे वेदांतु के जो भी course में लेना चाह रहे हैं, enroll करना चाह रहे हैं, for today it is 60% off, मतलब कितने पैसे देने होंगे, तो देख लो भैया, ये रहा video, ये video चल रहा है आपका, इसी video में आप नीचे आ जाओ, description box में जाओ, एक मिनट, ये description box में जाओ, वेदांतु 9th and 10th, जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए आपको दिख जाएगा यहाँ पे सीबीएसई टर्म टू फुल सिलेबस, आपका सीबीएसई टर्म टू फुल सिलेबस है, क्लिक करो। जैसे ही आपने क्लिक किया ये डिटेल आपके सामने आ गया, आया अब ये डिटेल क्या लिख रहा है, ग्रेड 9 का सीबीएसई टर्म टू क्रैश कोर्स, ठीक बात। नीचे आ जाइए, ये आज दिख रहा है,
कितना सस्ता है, सिर्फ 900, ओनली 900, दैट्स इट। तो सिर्फ 900 रुपए में यू गेट दिस एंटायर कोर्स। आपको करना क्या है, यहाँ बाय कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करते हो, आपको डिस्काउंट डिस्काउंट मिलके ये 2250 रुपए का जो कोर्स है वो 900 रुपए में मिल रहा है ना। बढ़िया, तो सिर्फ ये आज के लिए, ओनली फॉर टुडे। ठीक, तो गो एंड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस इन जस्ट 900 रुपीज, यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स और मस्त बल्ले बल्ले बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये आज ही का है और आज ही इसका फायदा उठा लेना, नहीं तो फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। और ये कोर्स, ये जो बैच है, ये अभी अभी मंडे को शुरू हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है, ये अभी भी बस मंडे को शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए वापस लौटते हैं। और ये तो पहला इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि दूसरा इंफॉर्मेशन ये दीदी देना चाहती है कि भैया ये तो 9th के कोर्स में डिस्काउंट है। अच्छी बात ये है कि जो बच्चे अभी 10th में इनरोल हो रहे हैं उनको ये जो 900 रुपए वाला है ना, ये भी नहीं देना होगा, वो भी फ्री मिलेगा। और 10th का जो कोर्स है वो अभी जब नेक्स्ट ईयर होगा तो नेक्स्ट ईयर में प्राइसेस बढ़ेंगे। बट अच्छी बात यह है कि जो बच्चा अभी इसको परचेज करता है आज सैटरडे और संडे को, तो उन बच्चों को ये कोर्स लास्ट ईयर के प्राइस में मिलेगा। लास्ट ईयर बोले तो मतलब आपके जो सीनियर्स ने जितने पैसे में इस कोर्स को खरीदा है ना, आपको वही लास्ट ईयर की प्राइसेस अभी इस फरवरी में सैटरडे संडे को मिल जाएंगे। समझ पाए? तो जो बच्चे 10th में इनरोल करने का ऑलरेडी मन बना चुके हैं और सोच रहे हैं थोड़े दिन बाद कराते हैं, तो आप बुद्धिमानी दिखा के इसको अभी करा सकते हो, राइट नाउ। इससे फायदा क्या होगा, आपको लास्ट ईयर के प्राइसेस देने पड़ेंगे, बढ़े हुए प्राइसेस, इंक्रीज्ड प्राइसेस नहीं देने होंगे, तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम इसमें आपका 9th वाला जो ग्रेड है, अभी जो आप 9th के लिए कुछ दिनों के लिए जो खरीदोगे, ये 9th ऑटोमेटिकली फ्री होगा, आपको 9th के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे। समझ पाए? इसमें कैसे जाना है, तो इसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका कि भैया सेल्फ सर्विस वाला तरीका, और ये सेल्फ सर्विस है, सेल्फ सर्विस बोले तो मतलब आप खुद से जाके एनरोल कर सकते हैं, सेल्फ एनरोलमेंट, तो सेल्फ सर्विस कह लो या सेल्फ एनरोल कह लो, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया असिस्टेड, असिस्टेड बोले तो मतलब आपको किसी की मदद चाहिए, कोई हेल्प कर दे आपको कि कैसे एनरोल करना है। सेल्फ एनरोलमेंट में तो बड़ा सिंपल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जैसे मैं दिखा देता हूं। ये है सेशन चल रहा है, इस सेशन में आ जाओ और यहाँ पे जैसे ही तुम आओगे देखो नीचे लिखा हुआ है ग्रेड 10th एंड 2 इयर्स जेई, ये लिखा हुआ है। एक मिनट, 10th एंड 2 इयर्स जेई कैसे लिख दिया, ये गलत लिखा हुआ है वैसे। ओके, ये 10th एंड 2 इयर्स जेई, ये सॉरी गड़बड़ है, ये नेक्स्ट ईयर वाला लिंक नहीं है। ठीक है, तो अभी ऑटो एनरोलमेंट वाला लिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब जिससे आप खुद से एनरोल कर सको, तो आप असिस्टेड वाले में चले जाओ। असिस्टेड मतलब आपको कोई हेल्प कर देगा एनरोल करने में। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना नीड हेल्प इन फाइंडिंग बेस्ट वेदांतु कोर्सेस, आप इसी डॉक्यूमेंट पे जाओ गूगल डॉक्स पे, और यहाँ पे आके आप अपना सारा डिटेल डाल दो, ईमेल आईडी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, कौन से बोर्ड में हो, कौन सा कोर्स चाहिए, सब कुछ सबमिट कर दो। विद इन 24 आवर्स यू विल गेट अ कॉल बैक फ्रॉम माई टीम, एंड मेरे टीम वाले जो है वो आपकी हेल्प कर देंगे कि भैया आपको क्या जानना है और कैसे एनरोल करते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। एंड अच्छी बात यह है कि सैटरडे संडे को हमेशा, जैसे आज और कल वेदांतु में सबसे अच्छे डिस्काउंट्स रहते हैं, तो आप सैटरडे संडे को एनरोल कर लो एंड दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, समझ गए? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? सर कैसे हो, एकदम बढ़िया है, मजे में है, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर मैं अभी से कैसे स्टार्ट करूं जेई की प्रिपरेशन? दिव्यम, अच्छा, जो जो बच्चे अभी से JEE या नीट की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों को मेरा सजेशन है कि जब आप वेदांतु में एनरोल करोगे तो जो मैम या सर होंगे आपको एनरोल करा रहे होंगे, उनको आप बोलिएगा मुझे फाउंडेशन बैच चाहिए। बिकॉज फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि हम स्कूल लेवल से हायर लेवल पढ़ाते हैं, सो दैट कि हम बच्चे को अभी से प्रिपेयर करें JEE और नीट के लिए। तो जो जो बच्चे अभी से चाहते हैं वो बोलिएगा कि मुझे फाउंडेशन बैच चाहिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। पढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। HP प्रो जिंदाबाद। अगला सवाल कहता है 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 प्लान टू विजिट ओल्ड एज ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीवन प्रिपेयर्ड अ सिलिंड्रिकल फ्लावर वास यूजिंग कार्डबोर्ड टू गिफ्ट इनमेट्स, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल इज दिस एंड हाइट इज दिस। तो रेडियस पता है 4.2, हाइट पता है 11.2 और 50 स्टूडेंट्स पता है, ठीक बात। अभी पहला सवाल, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल वास,
तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, दैट टोटल सरफेस एरिया इज, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh + 2πR2। ठीक है, तो आप 2πR कॉमन ले लेते हो और h प्लस आर बन जाता है आपका। तो इसी फॉर्मूले में 2π की जगह पे 22/7, रेडियस है आपका 4.2 और ब्रैकेट में हाइट है आपका 11.2 प्लस रेडियस है 4.2, ऐसा ही है। अब आप 7 से इसको कैंसिल करोगे 0.6, एक बात। अब आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेट, तो 6 दुनी 12, 12 और 12 दुनी 24 का 4, हाथ लगा 2, 12 दुनी 24 और 26, तो ये आ जाएगा 26.4 इंटू 11 और 4 15, 15.4। तो ये थोड़ा खतरनाक सा कैलकुलेशन दिख रहा है मुझे, बिल्कुल खतरनाक से दिख रहा है, बट एक बात जो समझ में आ रही है, ये तुम लोगों को ही दिख रहा है क्या खतरनाक सा? ऐसा इतना गंदा तो होना नहीं चाहिए था, बट इतना गंदा हो कैसे गया? मैंने कुछ गलती किया? लग तो नहीं रहा। 50 स्टूडेंट्स 11.2 रेडियस दिया ही, सब कुछ सही तो किया। खैर एनीवेज, क्या भूल गए सर? भूल गए फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला नहीं भूले, फॉर्मूला एकदम सही है, बस ये बहुत ही गंदा सा कैलकुलेशन आ रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। चलो खैर एनीवेज, मैं लमसम इसको कैलकुलेट करता हूँ। देखो 15 और 26 को मल्टीप्लाई करते हैं, लमसम तो वहां से आ जाएगा। तो 15 छक्के 90, सॉरी क्या हो गया, हाँ 15 6 90 का 0, 9 15 20 390, तो 390 से जो भी है आंसर ज्यादा होगा, तो 390 से जो भी आंसर ज्यादा है वो 400 वाला है, तो यही वाला आंसर लग जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? डी, हाँ अर्चना जी बिल्कुल सही है, डी है आंसर। तो 390 से ज्यादा जो भी आंसर है, बिकॉज हमने इसका लम सम वाला वैल्यू लिया है, 26.4 को 26 लिया, 15.4 को 15 लिया, सिंपली कैलकुलेट है 351। एक मिनट रुको भाई, अरे यार सॉरी, सुनो भाई मेरी गलती क्या है, ये मेरी गलती है, आई विल एडमिट ये मेरी गलती है। ध्यान ये नहीं दिया कि जो वास होता है, सिलिंड्रिकल वास, इसको जब हम बनाते हैं तो हम कार्डबोर्ड सब चारों तरफ लगाते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो स्पेस होता है ना एम्प्टी होता है, तभी तो ये फ्लावर वास बनेगा, है ना? ये गलती मैंने कर दी, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं आपको जब इसका एरिया लेना था तो 2πRh कर्व सरफेस एरिया लेना था, नीचे वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर लेना था, बट ऊपर वाले का कोई एरिया नहीं लिया जाएगा बिकॉज ऊपर वाला एम्प्टी रहेगा, ये गलती मैंने कर दी, सो वेरी सॉरी। तो आपको एरिया में यहाँ पे 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर डालना होगा, आप पाई आर कॉमन निकालोगे, यहां से 2h प्लस आर आएगा। अब आप कैलकुलेट करोगे, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस इज 4.2, 2 टाइम्स h तो 22.4 आएगा, बिकॉज h क्या है हमारा 11.2, तो 2h क्या होगा 22.4 प्लस रेडियस क्या होगा 4.2। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 0.6, 22 इंटू 0.6 इंटू 22 और 4 26.6, ऐसा कुछ बनेगा। फिर आपको इसको कैलकुलेट करना होगा तो जो आया 351.12, इस टाइप से कुछ आएगा। क्या मेरी बात समझ आई सबको? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? जल्दी बताओ भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। सबको समझ आया पक्का? सारे लोग चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, सबको समझ आया, यस और नो? चलो भाई, अगर सबको समझ में आया तो दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट फॉर परचेजिंग कार्डबोर्ड एट द रेट ऑफ ₹20 per 100 meter square। तो देखो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमने यहाँ पे क्या वैल्यू निकाली, 351.12 cm square, इतना एक वास को बनाने में लगा। टोटल बच्चे कितने हैं? जो ओल्ड एज घूमने गए थे वो 50 स्टूडेंट्स थे, तो 50 बच्चे मिलके बनाएंगे, तो 50 × 351.12, इतने मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। और रेट क्या चल रहा है, 20 रुपए per 100 meter square, 20 रुपीज डिवाइडेड बाय 100 रुपीज 20 पर 100 मीटर स्क्वायर, ये है रेट। तो मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपके पास ये जो वैल्यू आई ना 50 × 351, आप इसमें लिखोगे 20 डिवाइडेड बाय 100, बड़ा सिंपल। अब ध्यान से देखो 50 × 20 कितना होता है, 15 × 20 ध्यान से देखोगे तो ये 1000 होता है,
1000 को 100 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 10, मतलब आंसर ही आ गया तुम्हारे पास। देखो ना, इन 15 टू 21000 डिवाइडेड बाय 110 मतलब 351.12 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3511.2। इतना सिंपल था, 3511.20। कितनों को समझ आया कि हाँ सर ये तो कैलकुलेशन काफी आसान था? आसान था, बड़ा मजा आया, कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सिंपल हो गया। आया सबको समझ में? देखो ये जो आया था 50 इंटू 351.12 मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इसी 351.12 में आप बस मल्टीप्लाई करते 20 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। ये जीरो गया, ये जीरो गया, 5 इंटू 2 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 351.20। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब अगला केस देखें। वंस फोर फ्रेंड्स राहुल, अच्छा पूरे मतलब कहानी की जरूरत नहीं है। दे वर कैरिंग 200 स्क्वायर मीटर क्लोथ विथ देम, ठीक है। मेक अ कोनिकल टेंट एट अ पार्क, तो इनको कोनिकल टेंट बनाना है पार्क में और ये इतना कपड़ा लेकर चले हैं, ठीक बात। दे मेड कोनिकल टेंट विद अ हाइट ऑफ 8 मीटर एंड अ डायमीटर ऑफ 12 मीटर, द रिमेनिंग क्लोथ वॉज यूज फॉर द फ्लोर, ठीक बात। तो बड़ी सिंपल सी बात दिख रही है कि ये जो कोन है, इस कोन का हाइट पता है हमें और डायमीटर पता है, मतलब रेडियस 6, तो रेडियस पता ही है, हाइट पता ही है 8, तो आप बड़े सिंपल तरीके से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो, पाई आर एल, कि भैया चारों तरफ कितना यूज हुआ है। अब जो एल होता है वो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो वो भी मिल गया, एच आपको पता है, आर पता है, दोनों का पाइथागोरस करोगे 10 आ जाएगा, और पाई, पाई पता है आपको 22/7, रेडियस 6 और एल 10, तो आप इस तरीके से पाई आर एल निकाल सकते हो। बचा हुआ कपड़ा यहाँ बेस में चला जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, ये तो एक सेकंड में आ जाएगा आंसर। अभी अभी हमने निकाल ही दिया कि एल भैया क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हमने अभी अभी देखा ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, आंसर 10। ये तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। मूविंग ऑन, उसके बाद हमसे पूछा गया हाउ मच क्लोथ वॉज यूज फॉर द फ्लोर, फ्लोर के लिए कितना क्लोथ यूज हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कितना स्क्वायर यार्ड्स था क्लोथ, 200 स्क्वायर मीटर, सॉरी 200 स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, और हमने टेंट बनाने में इतना इस्तेमाल किया। तो आप ऐसा करो, पहले इसका एरिया निकालो, मतलब इधर देखो आप एरिया निकालो, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, तो ये होता है पाई आर एल। पाई को हमने अभी भी देखा 22/7 इंटू 6 इंटू 10, ठीक बात। अब आप ऐसा करो, इसको 22/7 की जगह 3.14 ले लो, बिकॉज डेसिमल में ही आना है ये, तो पक्की बात है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 चौके 24 2 6 2 8 और 6 3 18 188.4 मीटर स्क्वायर, इतना कर्व्ड सरफेस एरिया है जो कि टेंट का इस पोर्शन को बनाने में, ये वाला पोर्शन, कर्व्ड पोर्शन बनाने में चला जाएगा। और टोटल कपड़ा कितना है, तो वो टोटल जो कपड़ा है हमारे पास वो है 220 मीटर स्क्वायर। 220 मीटर स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 220 माइनस 188.4, तो आपका आंसर आएगा 220 माइनस 188.4, 190 मतलब 32 नहीं 31.6, 31.6। क्या ये बात, एक मिनट कुछ गलत किया क्या हमने, 220 मीटर स्क्वायर माइनस 188.4 31.6 नहीं आ रहा है क्या ये, एक मिनट 11.6 कैसे आ गया, 188.4 मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही, 200 था क्या, अपन 220 कैसे ले रहे थे, एक मिनट रुको, अच्छा 200 स्क्वायर मीटर था, सॉरी यार ये 200 स्क्वायर मीटर था, मैंने इसको 220 ले लिया, तो 200 था, तो 200 माइनस 188.4 तो 11.6 बनेगा, बिल्कुल सही है। तो बड़ा सिंपल सा आ गया आंसर 11.6। क्या ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बताओ क्या ये बात सबको समझ में आई। सर एनएमटीसी पर वीडियो, दीपक सूद अभी नहीं, बाद में बनाएंगे, और नहीं तो आप नीचे एक वो कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर सपोर्ट आया तो बना देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो आंसर आया 11.6 मीटर स्क्वायर। अब अगले सवाल की तरफ, अगला केस। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो गोल गुंबज, अच्छी बात है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बस मेरे को डेटा चाहिए, तो डेटा है वी स्टार्टेड 1626 कंप्लीटेड दिस रीचेस अप टू 51 मीटर्स इन हाइट, तो हाइट दिया हुआ है 51 मीटर, ठीक है। जाइंट डोम एक्सटर्नल डायमीटर 44 मीटर, ठीक है,
और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो गोल गुंबद जो है मतलब बेसिकली हेमी स्फेरिकल टाइप का ऐसा गुंबद ऐसा होता है, ठीक है। तो वैसे चाहो तो मैं इधर फिगर दिखा सकता हूँ, देखो ये फिगर दिख रहा होगा कि गोल गुंबद इस टाइप का, हेमी स्फेरिकल, और यहां से इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया इसका जो रेडियस है, डायमीटर 44 है, मतलब रेडियस जो है वो 22 मीटर है, ठीक। और इसमें लिखा हुआ है इट रीचेस अप टू अ हाइट ऑफ 51 मीटर्स इन हाइट व्हाइल द जायंट डोम हैज एक्सटर्नल। तो ये बेसिकली नीचे से यहां से जो दिया हुआ है दैट इज 51 मीटर। तो खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बस रेडियस को ध्यान में रखते हैं। अब देखो सवाल क्या कहता है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल डोम। तो भैया कर्व्ड सरफेस एरिया हेमी स्फेयर का क्या होता है, 2πr², ये तो बहुत ही सिंपल है, पाई के फॉर्मेट में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पाई को ऐसे ही रहने दो, 2π रेडियस के जगह 22 का स्क्वायर कर दो, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 484 इंटू 2 इंटू पाई, तो 484 48 960 968 पाई। बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं था, था क्या, जल्दी बताओ हाँ या ना, कितना को समझ आया। पेपर ऑन मंडे रिलीज सैंपल पेपर, ठीक है विकास जी हमें पता है, ठीक है बढ़े आगे, सबको समझ आया। तो 968 पाई आंसर आ गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। हाँ जी, व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट। तो देखो यार हमारा जो फिगर था वहां पे वो कैसा था, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो वो उस कुछ इस टाइप का था, ये गुंबद था और गुंबद इस बिल्डिंग के ऊपर था, ऐसा ही था ना। तो इस बिल्डिंग के ऊपर जो गुंबद था और कहा गया था कि ये टोटल जो हाइट है यहां से यहां ये 51 मीटर का है, तो आपको समझ आ रहा है कि रेडियस इसका 22 है, तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना 22, मतलब इतना पोर्शन अगर 22 है तो जो रिमेनिंग पोर्शन है यहां से यहां वो कितना होगा, वो होगा 51 माइनस 22, तो 51 माइनस 22 करोगे 29 आंसर आ जाएगा। तो ये भी बड़ा सिंपल था। तो 29 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइडल पार्ट, इस क्यूबॉइडल पार्ट का हाइट कितना हो गया 29 मीटर, बस आपसे ये पूछा था तो आपने बड़ा आराम से बता दिया 29 मीटर, आया समझ में 29। अब आगे बढ़ते हैं, 29 आ गया। चलिए अब आज का सेशन शायद हो गया समाप्त। जिन जिन बच्चों को द्रोणा बैच में एनरोल करना है आज प्राइसेस 50% पे ऑफ है, तो जस्ट गेट इनटू दीज द्रोणा बैचेस एज फास्ट एज यू कैन, 50% ऑफ है। फुल सिलेबस का रिवीजन, ऑल लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लाइव सेशंस, 3300 इज द प्राइस, लेकिन यू गेट अ डिस्काउंट एंड यू गेट इट 2970, लेकिन आज ओनली फॉर टुडे यू गेट इट फॉर 1320। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो तुम देख भी सकते हो, चलो दिखा देता हूँ। आज के लिए सिर्फ ये 1320 में मिल रहा है। जैसे तुम इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे देखो, तुम करो क्या, इसी जैसे CBSE टर्म 2 फुल सिलेबस पे गए थे ना, इस पे क्लिक करो, जैसे ही तुमने क्लिक किया ये ग्रेड 9th का है, चेंज करो, चेंज करके यहाँ पे ग्रेड 10th सेलेक्ट किया और यहाँ पे 10th नहीं, ग्रेड 10th CBSE टर्म 2 द्रोणा क्रैश कोर्स। अब इधर आ जाओ, देखो सेलेक्ट हो गया ग्रेड 10 CBSE टर्म 2 द्रोणा, नीचे आ जाओ देखो 1320। तो सिर्फ आज के लिए 1320 में है, तो जिन जिन बच्चों को द्रोणा बैच में जाना है जस्ट गो फॉर इट एज फास्ट एज यू कैन, ठीक बात, क्लियर है। तो गो फॉर दिस द्रोणा बैच और मजे से बढ़िया पढ़ाई करो, समझे, समझे मेरे बालकों कि ना समझे। चलिए तो HP ब्रो जिंदाबाद, आज का सेशन हुआ समाप्त, और जो जो बच्चे वेदांतु के सेशंस में अभी तक नहीं एनरोल किए हैं जल्दी से एनरोल कर लीजिए, खूब सारा मजा आएगा। और जो बच्चे डिसाइड कर चुके हैं कि सर नेक्स्ट ईयर मुझे वेदांतु में ही पढ़ना है, तो भैया प्राइसेस बढ़ने से पहले आप परचेज कर लीजिए, दैट विल बी मच मोर बेटर। सो बेहतर है कि प्राइसेस बढ़े उसके पहले आप उनको परचेज करें, ठीक है। और लास्ट ईयर की प्राइसेस में यू गेट द 10th ग्रेड, कैसे करना है बहुत सिंपल सा तरीका बताया है, कि इसी वीडियो पे आना है और इस वीडियो में आके ये जो लिखा हुआ है ना नीड हेल्प इन फाइंडिंग बेस्ट वेदांतु कोर्सेज, आप इसी गूगल फॉर्म को ओपन करो, ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने सारे डिटेल डाल दो, ईमेल, अपना नाम, मोबाइल नंबर, और मेरी टीम से 24 आवर्स के अंदर एक कॉल आ जाएगा एंड दे विल हेल्प यू, ठीक है, समझ गए। तो जस्ट गो फॉर इट एज फास्ट एज यू कैन। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ सबको मजा आया होगा। तो अब समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड बाय 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 बाय।